खबर बीजापुर से है। बीजापुर जिले के क्षेत्रीय विधायक ने हरेली तेवर संदर्भ में युवा को पर्यावरण के महत्व के बारे में बताया। बीजापुर जिला के क्षेत्रीय विधायक विक्रम मांडवी ने राज्य युवा मितान त्योहार मनाने पहुंचे, जिसमें कलेक्टर राजेंद्र कटारा अन्य अधिकारी उपस्थित होकर छात्र छात्राओं के साथ त्योहार मनाया। साथ ही साथ 10,000 पौधों का रोपण भी किया। और विधायक विक्रम मांडवी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बच्चों से चर्चा भी की। नए युवाओं को कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। भैया, ये दूसरा साल है हरेली त्यौहार का जो कि छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है, और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो कि पूरे भारतवर्ष में अपने पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दे रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में भाषा बोली रहन सहन संस्कृति का बहुत अलग ही पहचान और परम्परा है। पिछले बहुत सालों से ये बंद हुआ था, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के पहल से ये आज छत्तीसगढ़ की भाषा बोली रहन सहन संस्कृति ग्रामीण खेलकूद परंपरा को आगे लाने का काम हुआ है। आज देश दुनिया में नाम हुआ है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसके इस पहल से आज जो लुप्त होने हो रहे ग्रामीण खेलकूद भी आगे आए हैं, लोग उसको जान रहे हैं। पूछू क्या सर, हरेली त्यौहार पर क्षेत्रवासियों को क्या बोलना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आज छत्तीसगढ़ की प्रथम त्यौहार हरेली है। आप सभी को मेरी ओर से, पूरे जिले वासियों की ओर से हरेली त्यौहार की बहुत बहुत बधाई, डाड़ा डाड़ा बधाई देता हूँ। आज हरेली त्यौहार इसका छत्तीसगढ़ वासी साल भर से इंतजार करते हैं, और हरेली त्यौहार के अवसर पर आज ग्रामीण छत्तीसगढ़िया ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद का शुभारम्भ होने जा रहा है। और लगातार गिड़ी, रस्सी खींच, चिट्टूल, गिल्ली डंडा जैसे तमाम जो ग्रामीण खेलकूद जो हम बरसों से परंपरा से चले आ रहे थे, वो उसका शुरुआत आज हुआ है। ग्रामीणों में बड़े ही उत्साह है, जोश है, और लगातार ये पूरे 1-1.5 महीना यहाँ पर ग्रामीण खेलकूद चलेगा। सभी ग्रामीण इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, आप सभी से ये अपील करता हूँ।